उसको देखो मैंने बांध दिया पूरी तरह से जाली में। लेकिन हाँ आप स्पाइडरमैन फिर आपको नजदीक जाकर उसको मारना पड़ेगा। ये है पावर एक्चुअल में। ओ तेरी, बैटमैन में पावर आ गई भाई, गिरा दिया। नहीं रहा इनको। ओए ये देखो टाइम रिवर्सल, पीछे चले गए ये लोग। ओ ये पीछे जा रहा है, कर सकता हूँ। आ गई। जब ये गेम आपको समझ में आएगी ना तब आपको बहुत मजा आएगा इस गेम को खेलने में। ओ देखो गिरा दिया मैंने जायंट रोबोट को, गिरा दिया भाई। दिस इज द बेस्ट। एक चमाटा, आजा आजा आजा, चमाटा कौन खाएगा, आजा आजा चमाटा खा लिया। आएगा 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 आएगा। हाँ ये ड्रैगन वाली पावर तो देख ही लिया, वो देखो ड्रैगन खा रहा है, आजा इसको खा। ये एक्चुअल में मैं सही ढंग से यूज कर रहा हूँ ये। आज जो गेम हम खेलने वाले हैं वो भाई एक तरीके से सपना है उस हर बंदे का, या उस हर बंदे का जो कि सुपर हीरो फैन है, सुपर पावर चाहता है अपनी लाइफ में। आज की गेम में आप एक गेम के अंदर अराउंड 15 से 20 पावर्स यूज कर सकते हो सुपर हीरोज की, प्लस आप रियल लाइफ के जो, आपने रियल लाइफ नहीं कहूंगा, जो मूवी लाइफ है या रियल लाइफ है उस लाइफ में जो सुपर हीरोज देखे हैं वो सब आप बन सकते हो मोस्टली। चाहे वो उड़ने की ताकत हो, चाहे वो फास्ट दौड़ने की ताकत हो, चाहे वेब शूटर्स की ताकत हो, चाहे आंख की ताकत हो, चाहे फाइट की ताकत हो, ये सारी ताकत आज इस गेम में हम देखने वाले हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट डेमिगॉड। मैं यहाँ पे बना हूँ स्पाइडरमैन। अब पावर अप कैसे लेते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आपके पास पावर अप नहीं होगी, आप एक सामान्य इंसान होंगे। एनिमीज को बुलाना है तो आपको हर बार ऐसा जो मेन्यू है ना उसमें जाना पड़ेगा, वहां पे जाके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से एनिमीज को बुलाना है, वो बुलाना है नहीं बुलाना है, ठीक है। तो और पावर अप के लिए आपको यहाँ पे अपने हाथ में बी और वाई दबाना है और उसके बाद यहाँ पे पावर अप चुन लेनी है। दोनों हाथों में अलग अलग पावर अप हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि मैं यहाँ पे स्पाइडरमैन बनूं एक हाथ से, ये देखो, और दूसरे हाथ में मेरे आग निकल रही हो हाथ से, तो ये भी पॉसिबल है इसमें। और ये मैं ऐसे मार भी सकता हूँ इनको, ठीक है। तो मैं चलो बुला ही लेता हूँ, मैं बुला दे रहा हूँ नैनो साइबर्ग को जो कि काफी डेंजर लग रहे हैं। एंड उसके अलावा एजेंट्स हैं, रोग हैं, एजेंट्स पावर्ड वाले भी हैं, ठीक है। मैं नैनो साइबर को बुला रहा हूँ और यहाँ पे जैसे मैं स्टार्ट करूंगा एनिमीज आ जाएंगे। तो मैं पहली पावर जो दिखाने वाला हूँ आप लोगों को वो है मेरी स्पाइडरमैन की। तो दोनों हाथों में मैं स्पाइडरमैन ले रहा हूँ, मैं आपको दोनों हाथों में ही रख के दिखाऊंगा, ठीक है, बहुत ही जल्द। आ गया ना, अरे ये तो उड़ता है, ठीक है। मैं अब आपको दिखाता हूँ इस गेम का स्पाइडरमैन की पावर कैसी है, ये देख सकते हो आप। बट ये दिक्कत ये है कि मेरे पास, ठीक है, हाँ आप इधर इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो नैनो साइबर है ये आपकी हेल्थ पूरी खा जाएगा, ठीक है। मैं सिटी के अंदर आ चुका हूँ इस वक्त, ठीक है। थोड़ा और ऊपर जाना चाहता हूँ मैं। हाँ पूरा जा सकते हो भाई, जैसे स्पाइडरमैन करता था वैसे ही है पूरी कहानी। दीवार पे चिपक सकते हो कि नहीं वो आप देख लो, दीवार पे, हाँ पूरी दीवार पे चढ़ सकते हो भाई। स्पाइडरमैन इन VR, वाट लगती हुई कि ये नैनो बहुत पावरफुल है। अब आप लोग बोलेंगे भाई स्पाइडरमैन तब तो बेकार है अगर इसके पास कोई मारने की ताकत नहीं है, तो आप लोग गलत हो। इसके पास एक मारने की ताकत है जिससे ये डैमेज भी देता है। अरे शूटर खत्म हो गए मेरे, और हाँ थोड़ा सा मोशन इसका अजीब है, ये देखो शूटर खत्म, नहीं नहीं आया है वो, एक्चुअली वहाँ चिपक नहीं पा रहा है, वो बहुत दूर है। आ भाई मेरी स्पीड चिपकेगा ही नहीं तो कहाँ से करोगे भाई आप। वो गाड़ी से टकरा गया, वो आ रहा है, अब मैं इससे फाइट करता हूँ, दिखाता हूँ। वो देखो वो भी डिफेंसिव मूड में आ गया है, ठीक है। हाँ इसके, ओ शूटर मारा भाई मैंने। हाँ ये जो है ना इसके डबल टैप कहाँ गया, ऐसे डबल टैप से आप इसको बांध सकते हो, फिर वो निशाना लग नहीं रहा उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली। वो उसको देखो मैंने बांध दिया पूरी तरह से जाली में। लेकिन हाँ आप स्पाइडरमैन फिर आपको नजदीक जाकर उसको मारना पड़ेगा, और ये मैंने इसको मार दिया है थोड़ा सा, ठीक है। वो गाड़ी से भी डब रहा है, और मैंने इसको पूरी तरह से बांध दिया स्पाइडरमैन बनके। ओ पूरी तरह से भाई इसको बांध दिया। बट इसको मारने के लिए मुझे किसी और को बुलाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपको दूसरी पावर दिखाता हूँ। स्पाइडरमैन भाग रहा है, मैंने पहले ही कहा था भाई कि अगर आप निशाना सही मारोगे तो आप पूरी स्पाइडरमैन वाली फीलिंग ले पाओगे। तो दिक्कत यह है कि ये नैनो है, और नैनो भैया बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। वो सबसे ऊंची बिल्डिंग ये आ रही है हमारी, आई हाई चिपक ले चिपक ले। ओ, ओ। मैं नीचे तो अभी देख ही नहीं रहा हूं। Here comes the Spider-Man. अब अरे ये तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको मारने के लिए मैं बुला रहा हूं अपने हाथों में आग की पावर ले रहा हूं, क्योंकि यही एक ताकत है जो इसको जला के खत्म कर सकती है। कहां गया, रुक जा मैं गोला बुलाता हूं। मैं गोला तो मार रहा हूँ लेकिन गोला लग नहीं, उसका हाथ बड़ा हो गया, एक हाथ।
ठीक है अब जलाया, अब जलाया मैंने, एक हाथ से जला दे इसको, ठीक है अब मर जाएगा भाई ये। हाँ बहुत जबरदस्त फाइट चल रही है भाई, दिस इज द बेस्ट विलन है इस गेम का, ये वन ऑफ द बेस्ट विलन लगा मुझे। ओ अब कवच वच, और तेरी इतना तेज मूवमेंट कर रहा है ना, मेरी हेल्थ डैमेज कर दी पूरी इसने। पर हाँ मेरा मेरा निशाना उतना अच्छा नहीं है क्योंकि तो मैं आज पहला दिन है मेरा सुपर हीरो का, एंड आई एम बीटिंग ऑफ। ओ भाई मेरे पास उड़ने की ताकत नहीं है इस गेम में, एटलीस्ट इस कैरेक्टर के साथ तो नहीं है। ठीक है जंप कर सकता हूं मैं, उड़ने के लिए मुझे अलग बंदा बनना पड़ेगा। तो भाई ये इसकी आंख की ताकत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आंख की ताकत काम नहीं आई है, तो अब मैं ले रहा हूं यहां पर हमारी गॉन्टलेट गन की ताकत, जो कि एक्चुअल में बहुत पावरफुल है। कहां गया, अब आ जा बेटा, ये वन ऑफ द बेस्ट है भाई, स्पेशली ऑफेंसिव पावर की बात आती है तो लगभग उसी की पावर से बनी हुई, लेकिन यही है दिक्कत कि भैया मैं उड़, हाँ हाँ उड़ सकता हूँ, ये रहा स्लो मोशन हो गया, एक्चुअली उड़ नहीं रहा है, एक भी गोली नहीं लगी उसको, सब कुछ स्लो मोशन में कर दिया है मैंने। मैं दोनों हाथ को कनेक्ट कर रहा हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि मेरी वो बड़ी वाली गन आ जाए, नहीं आ रही, आ गई है, अब ये नहीं बचेगा भाई, अब ये नहीं बचेगा, चलाओ। हरा दिया मैंने, बट मैं चाहता हूँ अभी स्लो मोशन हट जाए, कैसे हटता है, लेकिन एक और आ गया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज नोटिस की किसी ने, ठीक है हाँ ये दूर की पावर है, बाकी मैं इधर से मार सकता हूँ, तो दो दो आ गए, एक को तो मार नहीं पा रहे थे हमने, और ये पंच है, लेकिन पंच एकदम सही निशाने पे लगना चाहिए, नहीं तो सब बेकार यहाँ पे, कुछ ऐसा ही हाल है। और ये लोग बहुत ज्यादा पावर है, हाँ मेरे पास तलवार की भी पावर है, और हाँ ये जो पावर है ये ग्रीन लैंटर्न की है, तो मैं इस वक्त ग्रीन लैंटर्न बन चुका हूँ। अबे तलवार तो मार उसको, हट हट, कुछ लग ही नहीं रही, और मैं यहाँ पे डाई होता हूँ। बट दिस इज अवर थर्ड पावर, हम लोग यहाँ पे मर चुके हैं, एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ चौथी पावर इस गेम की। ठीक है तो मैं अब बुला रहा हूँ यहाँ पे जाइंट रोबोट्स को, एंड मैं बनाऊँ यहाँ पे कैप्टन अमेरिका, लेकिन जो मेरी ये पावर है ना, मैं बता दूँ कौन सी पावर है, ये वाली हमारी पावर है तलवार वाली, तो तलवार वाली एंड ये दोनों पावर आ गई वीपन्स वाली, तो यहाँ पे आप वीपन्स को बुला सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चलता नहीं है इस गेम में। जाइंट रोबोट बहुत जल्द आ रहा होगा, आ गया है, ओह तो मुझे कवच चाहिए ही होगा भाई, लेकिन पावर चल ही नहीं रही, ये बहुत घटिया चीज़ है यार इस गेम की, सबसे गंदी बात है यार ये। एक्चुअली में नियम यह है इस गेम का, हाँ मैं उड़ भी सकता हूँ, मतलब जंप वम कर सकता हूँ, आ गई, ठीक है दूसरी पावर दे दे यार। अरे कवच भी है मेरे पास बट दिख नहीं रहा, इवन बड़ी तलवार भी है, बट बड़ी तलवार इसको मार भी सकते हो आप तलवार फेंक के भी, बट ये भाई साहब कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, कैप्टन अमेरिका की औकात नहीं है कि जाइंट रोबोट से लड़ सके, मुझे तो एटलीस्ट यही फील आ रही है, हाथ से भी लड़ सकता है, यस हवा में कैप्टन अमेरिका, लेकिन नहीं जीत पाएंगे भाई ये तो, मुंह पे भी मार रहा हूं मैं लेकिन नहीं कर पा रहा कुछ भी। और मैं यहाँ पे हाँ उड़ने वाली पोजीशन में भी रह सकता हूँ, थोड़ी देर होल्ड भी कर सकता हूँ अपने आप को ताकि, बट नहीं यहाँ पे मेरी हेल्थ जाती हुई, एंड मेरी ये पावर सबसे कमजोर पावर साबित हुई है, जहाँ पे आपको अपना हथियार, हाँ इससे भी आप मार सकते हो, ये निंजा वाली है, बट निंजा वाली का एक दिक्कत ये है कि भाई ये प्रॉपरली निशाने पे नहीं जाती अनलेस आपका थ्रो अच्छा हो। तो फर्स्ट डे इन द सुपर हीरो स्कूल आई एम गेटिंग फ्लॉप्ड। ओ आ गई कवच, कहाँ छिपा था भाई तू, वो भी दे दे तलवार, ठीक अब आ जा, कैप्टन अमेरिका इज हियर, ओह एंड कैप्टन अमेरिका इज डाइड भाई, निंजा आ भी गए, खुश ठीक है इनके पास भी तलवार है मेरे, लेकिन इसके पास तो एक्स्ट्रा पावर भी है, दैट इज नॉट फेयर भाई, और मैं उड़ ही रहा हूँ क्या, लोग मेरे सामने बहुत छोटे लग रहे हैं, ठीक है इन लोगों के तो मैं अकेले ही हराऊंगा, मेरे को कवच दे दे, मेरा कवच एक्चुअली गिर गया है वहाँ पे, मैं लेने जा रहा हूँ कवच, बट ये लोग पहले से आके मार ना दें, ठीक है मैं कवच ले लूंगा, आ जा भाई हाथ में आ जा, अरे क्या निकल रहा है हाथ में भाई, फर्स्ट डे इन द स्कूल ऑफ द सुपर हीरो बहुत गंदे तरीके से जाता हुआ, और इनकी हेल्थ मर ही नहीं रहे लोग, ओ इसको मारिए बहुत ताकतवर है, इनको बहुत प्रो समझ रहा है, तीनों को ही मारो, मारना तीनों का, कवच नहीं है किसी के पास, लेकिन फिर भी ये लोग आर फाइटिंग वेरी बैड, एंड एक्चुअली में ये सबसे टफ साबित हुए। तो मैं इस वक्त बन चुका हूं सुपरमैन, और वो मेरे रोबोट कहाँ गया, रोबोट कहाँ गया, मैंने रोबोट्स बुलाए अटैक करने के लिए, मुझे दिख नहीं रहे वो लोग, ठीक है मैं यहाँ पे जो पावर दिखा दूँ कौन सी है, पावर हमारी ये वाली है दोनों में उड़ने वाली, उन्हीं की बदौलत मैं उड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है एक्चुअली जमीन भी नीचे लेके आ गया अपने साथ, ये दिक्कत होगी, नीचे रोबोट्स आए होंगे शायद मारने के लिए,
ठीक है, तो ये पड़ गई एंट्री, 4 है रोबोट्स। हाँ, अब एक दिक्कत ये हो गई है इसमें, जो मैंने पावर लिया है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उड़ने की पावर है। ये देखो, इस तरह से आप उड़ सकते हो टैप और बी वाई दबा के, तो ये आपका ट्रिगर हो जाता है एंड ये जमीन मुझे। और हाँ, ये सुपरमैन है तो देखते हैं कैसे ये मारता है। ओ, लेकिन ये दिक्कत होने वाली बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओह, लेकिन एक पंच में ही बहुत दम है। पता नहीं कैसे मैं पीछे चला जा रहा हूँ। अरे मैं मार रहा हूँ इसको। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है भाई, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। बट दिस गेम इज अ मैस, अगर आप देखोगे ना एक तरीके से। ठीक है, मैं एक बार उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं मेरे पास। और मेरे को पता नहीं क्या इस गेम ने उसमें बांध दिया है। ठीक है, मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ भाई, अब फाइनली मैं उड़ता हुआ यहाँ पे। पत्थर पता नहीं कहाँ से आ गया भाई, मुझे भी नहीं मालूम, चिपक गया पैर में। आप नीचे भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, जहाँ जाना है जा सकते हो, आपकी मर्जी। ए दबा दोगे तो नीचे उतर जाएगा, डबल टैप ए कर दोगे तो रुक जाएगा, और अगर रुक जाएगा तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो दिस इज़ द सुपरमैन। बट हाँ, इससे आप फाइट नहीं कर सकते, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो अब जो पावर आई है मेरे पास, ये तो आम इंसान है। रोबोट्स पता नहीं कहाँ चले गए, वो आ रहे हैं रोबोट्स। ठीक है, अब जो पावर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है अर्थ की पावर, जिसके अंदर आप अर्थ के अंदर से चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ कैसे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई चलती। ओ, आ गया मेरा हाथ पंजे वाला। अब तो तू गया बेटा, आजा आजा नजदीक आ, खाली नजदीक आ। ठक 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 ठकार ठकार ए ठकार। रुक जा, दूसरी पावर तो मैंने दिखाई नहीं आपको, दिखाता हूँ उनको। अरे चा, पावर है भी कि नहीं। हाँ, पावर तो लगी हुई है, बट पता नहीं क्यों नहीं काम कर रही, इवन आई डोंट नो। ये देखो भाई, ये कांटे वाली पावर। और हाँ, आप नीचे जाके इनके ऊपर कांटा भी मार सकते हो। तो इस, हाँ, पत्थर तो अभी भी चुका हुआ है मेरा, पता नहीं कैसे भैया, हमको भी नहीं पता। ठीक है, बट आपने ये पावर देख सकते हो आप कैसी है, मेरे दोनों हाथों में अब आ गया है, अब तो इनमें से। बट हाँ, ये दूर से ये लोग मार सकते हैं, नजदीक में तो कोई नहीं मार सकता। ले फोड़ा भाई एक को, रुक। ये तेरी, ओए डिफेंस है, फोड़ दिया फोड़ दिया, एक को फोड़ दिया। तेरी तो कहाँ गया, टुकड़े हो जा रहे हैं भाई इनके। ठीक है ठीक है, आठ आठ। ओ, ये है पावर एक्चुअल में। ओ तेरी, बैटमैन में पावर आ गई भाई, गिरा दिया। अरे तेरी बच गया, तेरी तो धक धक कहाँ जमीन के अंदर मर रहा है। ठीक है, मैं और दिखाता हूँ इसकी पावर जो है। ये देखो भाई, ये वाली पावर है जिसके अंदर जमीन में से पत्थर उगाता है ऐसे करके। ये देखो, आप जो एनिमी आ रहा है आप चाहो तो अपने चारों तरफ करके, अपने चारों तरफ, ये देखो अपने तरफ चारों तरफ कवच कर सकते हो, ताकि ये लोग आ ना पाए आप तक और आप थोड़ी देर के लिए बच जाओ। एंड अगली जो पावर है इसकी, वो है ये कांटा फेंकने वाली, जो कि एक्चुअली में सुपर्ब है, सबसे सुपर्ब वाली है अगर आप देखो एक तरीके से तो। मतलब दूर से भी मारती है और काफ़ी आसान हो जाता है मारना। तो ये हमारी जो है पावर, ये आप देख रहे हो जमीन वाली ताकत है, जमीन के अंदर से पत्थर उगा के पत्थर से ही इनकी एंड बैंड बजाते हैं हम लोग। मर गया ये आई थिंक, और जाइंट रोबोट भी आ चुका है। समय वाली है, जो आपको समय मैनिपुलेशन शायद सिखाती है। एक सेकेंड, इसमें तो आ गया है। हाँ, रिवर्स कर सकते हो आप एंड स्टॉप कर सकते हो, टाइम स्टॉप बीम, टाइम रिवर्सल भी है आपके पास। बट अभी के लिए मैं, हाँ ठीक है, देखते हैं। ये मैंने यूज नहीं किया, डैमेज नहीं हो रहा इनको मेरे ख्याल से। डैमेज हो रहा है नहीं, कुछ ज्यादा डैमेज नहीं है, बट ठीक है, कुछ हो ही नहीं रहा इनको। ओए, ये देखो टाइम रिवर्सल, पीछे चले गए ये लोग। ओ, ये पीछे जा रहा है। अच्छा, जिसके ऊपर मैं डाल दूंगा वो पीछे, और ये रुक गया वो, और इसका मतलब है कि मैं अब उसको जाके मार सकता हूँ। व्हाट अ पावर भाई, सबको मैंने टाइम रिवर्सल में डाल दिया है। और फिर आप अपनी दूसरी पावर यूज कर सकते हो, कुछ देर के लिए लोग रिवर्स में चले जाएंगे। कितनी यूनिक पावर है ये, सीरियसली भाई। मतलब ये देखो, आ ही नहीं पाएंगे आपके पास, जिस पोजीशन में आए हैं पीछे उसी में वापस चले जाएंगे। ये वाली जो पावर है, स्टॉप वाली पावर है भाई, एक्चुअली में ये सबसे बेस्ट पावर है मेरी, मेरे हिसाब से तो सबको रोक दे रही है। वो देखो, व्हाट अ पावर भाई। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पावर से भी आप फाइट जीत नहीं सकते हो। तो अब मैं बुला रहा हूँ ऐसी पावर जिससे आप सही में जीत सकते हो फाइट, ये हाथ वाली पावर, जिसमें आपका हाथ स्ट्रेच हो जाएगा। और जब ये गेम आपको समझ में आएगी ना, तब आपको बहुत मजा आएगा इस गेम को खेलने में। ओह देखो, गिरा दिया मैंने जायंट रोबोट को, गिरा दिया। इन सबको भी मैं मार सकता हूँ, मैं दूसरी पावर ला रहा हूँ। मैं बड़ा छोटा कर दिया इनको, छोटा हो गया भाई ये, कि मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, ओ मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, तेरी तो सब गजब भाई। ये ले, ये रुक रुक रुक, इसको पकड़ नहीं सकता मैं अनफॉर्चुनेटली। पकड़ सकता हूँ, नहीं पकड़ सकता आई थिंक। अबे रुक, तेरे को नहीं पकड़ सकता। हाँ, इसको पकड़ नहीं सकते यार, ये गलत है।
सुपर पावर, मैं नॉर्मल हो गया हूँ, ठीक है। एंड ओ मेरा हाथ बड़ा हो गया, रुक जा रुक जा, तेरी मेरे हैंड बड़े हो गए बैटमैन के, अब गया बैटमैन एंटमैन बन गया एक्चुअली। अब ये तो सब, ये तो भाई सबसे ओपी, इसमें तो किसी की ताकत नहीं मेरे को हरा सके यार, कोई छू ही नहीं पाएगा कोई। दिशु, दिशु, दिशु। और हाँ मैं चल भी सकता हूँ इसी की बदौलत, ठाक 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 करके। भाई दिस इज द बेस्ट, एक चमाटा, आजा आजा आजा, चमाटा कौन खाएगा, आजा आजा चमाटा खा लिया। और कोई लेफ्ट हैंड चमाटा, आजा 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 आजा, देखो तो मैं दबाऊंगा। ए ओए तेरी, दोनों दबे, दोनों दबे, उठ जा उठ, आजा आजा आजा, एक चमाटा बाकी, एक चमाटा बाकी है, ठीक है। आई थिंक डन होता हुआ ये, बाकी कैसा लगा भाई मेरी धुलाई, दिस इज द बेस्ट वन भाई, दिस इज द बेस्ट वन। मैंने जितनी भी, देखो हाथ देख सकते हो, बड़ा होता जा रहा है, फूलता जा रहा है हाथ, हाथ है ना फूलता जा रहा है भाई, ये देखो फूलता जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ, हाँ छोटा भी कर सकते हो आप, ये देखो छोटा हो गया। तो ये गजब पावर थी भाई। एंड अगली पावर जो आ रही है, आई थिंक अगर रोबोट्स आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको दूसरी पावर दिखाता हूँ, इनको नॉर्मल कैसे करते हैं वो देखना पड़ेगा मेरे को। आप लोग भी भाई एक जगह देख देख के कितना हैरान हो गए, तो मैं ले आया हूँ आपको अपार्टमेंट पे। ये अपार्टमेंट वाला लोकेशन है, बहुत अलग है, बहुत ग्लिच वाला, मतलब बहुत आसपास में जुड़ा हुआ है, और मैं बुला रहा हूँ यहाँ पे बायो म्यूटेंट्स को, देखने में भी खतरनाक है। और मैं अब जो पावर दिखा रहा हूँ वो है हमारी वाटर की पावर भाई, ठीक है। वाटर से आप क्या क्या कर सकते हो मैं दिखाता हूँ आपको पावर इसकी, एक मिनट पहले मुझे नीचे जान दो। ये देखो भाई आप पानी के उसके ऊपर उड़ सकते हो, क्या कहेंगे इसको, बवंडर के ऊपर, ये देखो पानी के बाउंडर के ऊपर मैं उड़ रहा हूँ। इसके अलावा की जो पावर है वो है कुछ पानी मारता भी, हाँ ये रहा पूरा पानी का, हाँ पानी का गोला मारता है, जो कि एक बहुत ही डेंजर है मूव, ठीक है। ये देखो भाई ये पूरा पानी चारों तरफ, वाटर 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 वाटर, इनको डैमेज तभी होगा जब ये पानी के उस रेंज में आएंगे, नहीं तो नहीं होगा भाई। और हाँ इतनी सारी देखो डैमेज हो रहा है नीचे, वो ऑलरेडी जब आ रहे हैं पानी के रेंज में तो ऑलरेडी जा रहे हैं वो डैमेज में, ठीक है। और एक ये वाला पावर जिसके अंदर आप एक ड्रैगन जैसा फेंकोगे एंड वो ड्रैगन आपके लिए काम करेगा, और ये बेचारे म्यूटेंट्स की कोई औकात नहीं है कि ये लोग मेरे सामने लड़ सकें अब, क्योंकि मेरे पास आ गई है पानी की ताकत और ड्रैगन बन चुका है मेरा ये कैरेक्टर, सबकी वाट लगाता हुआ। बैटमैन भी सोचा होगा आज क्या क्या देखना पड़ रहा है, एक तो मर गया, ये वाला भी ज़्यादा देर नहीं जीने वाला बायो म्यूटेंट में। कई लोग बोलेंगे हाँ भाई अब इनकी कोई औकात नहीं है एनिमीज की, आप हार्ड लेवल लगा दो तो बात अलग है, बाकी इन लोगों की कोई औकात नहीं है मेरे सामने। मर गए, अरे लो ड्रैगन वाली पावर तो देख ही लिया आपने, आएगा 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 आएगा, हाँ ये ड्रैगन वाली पावर तो देख ही लिया, वो देखो ड्रैगन खा रहा है, आज इसको खा, ये एक्चुअल में मैं सही ढंग से यूज कर रहा हूँ, ये देखो ड्रैगन उनको खा रहा है, उनकी हेल्थ ले रहा है, ओ पूरा पीछे ही पड़ जाता है भाई ड्रैगन तो इनके। और तीसरी पावर जो है वो है वो पानी का फुवारा बनाने वाली, बाकी आप हवा में उड़ सकते हो वाली पावर है ये, तो तीन पावर है इसकी वाटर की। मैं चेंज कर रहा हूँ, स्किन भी चेंज कर दी है, और मैं अब हमारी लास्ट से ऑलमोस्ट लास्ट पावर आ गई बिजली वाली पावर। अब इसके अंदर सीधी सी बात है भाई कि आप थोर बन सकते हो, बट थोर की स्किन है नहीं गेम में, अरे बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है देखो पावर बहुत इजी, और हाँ आप गोला भी मार सकते हो, ये रहा गोला एंड वो दोनों एक साथ, और ये जो निशान आ रहा है ना ये वहीं पे मारे रहा है, मार रहा है। अब ये इतने तेज है ना इस मेन्यू में कि भाई मैं, हाँ गोला आप मार भी सकते हो, हाँ परफेक्ट परफेक्ट पर लगी, ओ कहाँ जाके गिरा भाई ये, ठीक। और ये वाली पावर है अपनी जिसमें तो आप जैसे ड्रैगन को मैनेज कर रहे थे वैसे बिजली को मैनेज कर रहे हो, जैसे मैंने दोनों हाथ में लगाई है, और ये वाली पावर तो अपनी है ही, बाकी अपना नॉर्मल आप बिजली चाहो तो बिजली मार सकते हो, ये तो अपना पंच वाला है, पंच मार सकते हो एंड फिर अपनी नॉर्मल आ जा रही है। तो दिस इज इट, ये अपनी बिजली वाली पावर। तो ये सारी गेम्स और ये सारी स्किन के साथ आप इस गेम को, मतलब इस सारे पावर के साथ और इस सारी स्किन के साथ आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हो, वो पुतला क्यों बना है। तो ये थी प्रोजेक्ट डेमिगॉड, बट दिक्कत ये है कि भाई इतना कुछ होने के बाद गेम में कहीं ना कहीं वो दिक्कत आ जाती है कि कुछ डायरेक्शन नहीं रहता, मतलब आपको खुद ही अपनी स्टोरी फाइंड करनी पड़ेगी, खुद ही अपना गेम प्ले फाइंड करना पड़ेगा, इस कारण से ये गेम मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। बट हाँ इतनी सारी खूबियां हैं, डेवलपर्स अपडेट लाएंगे डेफिनेटली आने वाले वक्त में जल्दी, और फिर ये गेम शायद और बेहतर हो जाए, बट ऑप्शंस बहुत सारे देता है, ऊपर से आपको पीसी वीसी की जरूरत नहीं है, स्पाइडरमैन बनना है स्पाइडरमैन बन जाओ, बैटमैन बनना है बैटमैन बन जाओ, नए नए मैप डाउनलोड कर लो, कुछ नहीं करना है कुछ मत करो, एक बड़ा सा मैप डाउनलोड कर लो एंड सिंपल अपना स्पाइडरमैन बनो यार, कुछ नहीं करना खाली, अपना स्पाइडरमैन बनने की सपना जो बचपन से देखे थे भाई पूरा करने का यही वक्त है। तो दिस इज इट, प्लीज लाइक कर देना वीडियो को,
और हाँ, दीवार होगी तो ही चिपकेगा, फिर बोलना मत। तो टेक केयर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रीम में। ध्यान रखिए, खुश रहिए। आपका फ्रेंडली नेबरहुड संगीत ले रहा है आपसे विदा। बाय बाय बाय।